किसी को मदद कर रहे हैं यहाँ पर आके, आइए जानते हैं इन्हों क्या बता रहे हैं आपको। भैया पहले तो मैं बीजेपी से पवन कुमार हूँ, या लोकल में भी आप पूछ सकते हैं। ये इशू के लिए हमने वाटर वर्क्स GM साहब को, वाटर वर्क्स मैनेजर को और DGM साहब श्रीनिवास जी भी है, तो इनके नज़र तक लेके गए। मैं अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो आप लोग तनख्वाह ले रहे 50,000 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये महीने का, आप लोगों से निवेदन करते कहीं हमारे ऐसे बस्ती में एक घर लेके रहो। हमारी तकलीफ क्या है आपको मालूम होगा। ये नाला जो भर रहा, ये ड्रेनेज मोरी का पानी जाने के उसमें से उस तरफ नल का जो पाइप का बड़ा पाइप जाता है उसके अंदर से हमारे को कनेक्शन आ दिए। इसमें 150 पाइप नाले में जा रहे, उसमें से कीड़े मकोड़े, आज का हालत ऐसा है, बुखार भी आया तो डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा। अगर हॉस्पिटल गए, भगवान की दया से हम नहीं जाना ही चाह रहे, अगर गए क्या गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही, तो वो तो हम देख रहे हैं। 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये रोज के हो रहे। हम ये मुसीबत से निकलना चाह रहे हैं, आज कल का नहीं है, 5 से 10 साल पहले से यही परेशानी है हमारे को। यहाँ के लोग छोटे छोटे बच्चे रातों में क्या ये रोड है समझ के अंदर जाके गिर रहे। अगर कुछ नए होने का अगर हो गया तो कौन लेगा ये जिम्मेदार? कोई ऑफिसर आया बात करे किसी से? ऑफिसर खाली एक प्रेशर में आ रहे, आके देख के जा रहे। अभी तक 4 बार राउंड हो गया, एक बार बुलाया तो मैनेजर आता, एक बार बुलाया तो लाइन मैन आता। नाम बता सकते हैं उनका आप? मैनेजर साहब यादगिरी रेड्डी जी है, जो वाटर वर्क्स के, और अपने DGM साहब श्रीनिवास साहब है, लेकिन वो तो आने को टाइम नहीं है उनको। लेकिन GM साहब सुबह में 7 बजे आए, इंस्पेक्शन भी करे, और वाटर वर्क्स MD दाना किशोर साहब का ये फाइल रुका हुआ है, कोविड के कारण जो फाइल रुका हुआ है बोल रहे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस्ती वासियों के तरफ से भी, ये काम जल्द से जल्द ये होना है। अगर नहीं हुआ तो हम ये बस्ती वासी पूरे जितने भी यहाँ पर है, हम पूरे धरना करने के लिए सीधा वाटर वर्क के काम आएंगे। हम रिक्वेस्ट करें फिर एक बार वाटर वर्क ऑफिशियल्स को कि ये फाइल जल्द से जल्द करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और पूरे ये एरिया के तरफ से हम बराबर आके वही धरना करेंगे। भारत माता के देख सकते हैं छोटे छोटे झोपड़ियों में रहने वाले मानगर बस ये लोगों का दर्द को ही नहीं जानते। यहाँ पर जैसा हमको इतला मिली DSY की टीम यहाँ पर आके देखे तो पड़ताल करी, तो इस नाले का, ये नाले पे आके देख सकते हैं, नाले के बीचों बीच यहाँ पर रोड के बीच में छोटा नाला है, गंदगी नाला है। यहाँ पर काफ़ी दूर से बंजर हिल्स विजयनगर कॉलोनी का पूरा फ्लो इधर ही से आता है। यहाँ पर ये नाले के ऊपर मकान जो बारिश के टाइम पे आके यहाँ पर पूरा फ्लो होते घरों में घुस जाता है, और यहाँ पर छोटे छोटे घर पे बच्चों को काफ़ी बीमारियाँ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नाला भर के यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आके, यहाँ अधिकारी बड़े से बड़े यहाँ पर ऑफिसर्स आके यहाँ देख चुके हैं ये नाले का, तो घरों में घुस काफ़ी बीमारियाँ, जैसे डेंगू हो गया, काफ़ी यहाँ पर बीमारियाँ आज आ रहे हैं। यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं, काफ़ी लोग ऑफिसर्स भी आके यहाँ मुआयना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाले के नीचे से जा रही, जैसा फ्लो आ रहा है ये पूरा पीने का पानी अंदर, पूरा ड्रेनेज का पानी आ जाता है, गली सैंडाज आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लोग रहने को मुश्किल हो रहे। इस मानगर बस्ती में काफ़ी नाम है ये मानगर बस्ती का, लेकिन आज तक कोई MLA आके इनका चिंता दूर नहीं की, इनकी तकलीफें दूर नहीं की। देख सकते हैं आज सवेरे से ये लोग बारिश का, 2 दिन से बारिश आ रही है यहाँ पर, 2 दिन से बारिश में सभी लोग बाहर आके लोग ठहरे हुए, कोई इनकी परेशानी दूर करने के कोई सामने नहीं आ रहा। आइए जानते हैं इनकी तकलीफा क्या है। छोटे बच्चे सब पानी आए तो पानी में जा रहे, बच्चे का वास्ते नाले के ऊपर से बच्चे गए तो हम काम को चले जाते हैं, बच्चों को काम करने वो भी काम को नहीं आने दे रहे। हम घर में रहे तो बच्चे खेलने का जो घुस जा रहे बच्चे, अब घर में आता है घर में आ रहे हैं, नल का पानी ऐसे बीमारी आ रहे यहाँ। कोई MLA आके कोई काम नहीं आते, बुलाए पर आके देखो बस्ती है मानगर बस्ती, वो तो लोग यहाँ पर आने को भी डरते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी नाले के अंदर से वापस यहाँ पर घरों में पानी घुस रहा है, यहाँ पर काफी ड्रेनेज का पानी आ जा रहा है। ये नाला बहुत काफी दूर से बंजारा है, विजयनगर कॉलोनी का पूरा फ्लो यहाँ पर ही आता है। सवेरे से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पता हमको कहीं कॉल्स करने से बाद हम लोग यहाँ पर, हमारी टीम पहुँची यहाँ पर मानगर बस्ती में, तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, कोई यहाँ पर काम नहीं कर...